हालेलुया। परमेश्वर की अति पवित्र नाम की महिमा हो। एक और दिन परमेश्वर ने हमें इसकी इबादत करने के लिए मौका दिया, इसके लिए परमेश्वर का स्तुति धन्यवाद करता हूँ। जल्द ही ये जो हमें आजादी है देश की नहीं, इबादत करने की, परमेश्वर की स्तुति करने की जो आजादी है, वो धीरे धीरे जाती दिखाई दे रही है। और सुसमाचार प्रचार के काफी विरोध देश में दिखाई दे रहा है, और ये डरने की जरूरत नहीं, ये कुछ भयानक खबर नहीं, ये सदियों से चलता आ रहा है, शुरुआत में भी और अंत के दिनों में अधिक होगा करके हम वचन में पढ़ते हैं। आइए हमारा ध्यान इस भजन की ओर लाएं जो 29वां भजन है, और इस भजन में आप देखा होगा कि ज्यादा कुछ उपदेश कुछ दिया नहीं है। आइए उसका पहला और दूसरा वाक्य पढ़ें। हे परमेश्वर के पुत्र यहोवा, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा का यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभा में मान होकर यहोवा को दंडवत करो, उसके नाम की उचित रीति से उसकी महिमा करो। आप लोग ने अगर ध्यान दिया है तो दो गीत में जो हमने गाया है उसमें एक शायद एक पति समान जलता रहूंगा तेरी महिमा मेरी कामना, आखिर में हमने जो गाया हर दिन तेरी हर बात तेरी महिमा गाते हैं, मतलब हमारे बातों के द्वारा परमेश्वर की महिमा। और इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं दे दूं, ये दाऊद का लिखा हुआ है, और इसका जो क्यों लिखा, कब लिखा, ऐसा शीर्षक में कुछ लिखा नहीं है। और मसीह जो लोग है उसमें दो अभिप्राय या दो चिंता है इस भजन के बारे में, क्योंकि पहला है कि पहला वचन जरा पढ़े, परमेश्वर के पुत्रों के बारे में वहां पर दो विचार है। एक विचार ऐसा है कि वो परमेश्वर एक जगह में एक अनुवाद में है परमेश्वर के बलवान लोगों, तो वहां उसका मतलब है कि ऐसा लिखा है कि दाऊद जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो परमेश्वर की महिमा दिन रात करता रहता है उनके बारे में लिखा है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारे बारे में लिखा है। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे यहोवा की वाणी ऐसा बार बार दोहरा रहा है, यहोवा की वाणी ये करता है, यहोवा की वाणी, मतलब हम समझते हैं कि यहोवा की वाणी बहुत सामर्थ्यशाली है। अगर सिर्फ वाणी उसकी सामर्थ्यशाली है तो यहोवा कितना सामर्थ्यशाली, क्योंकि हमने देखा कि आदि में वचन था और वचन के द्वारा सब उसने सृष्टि की, तो उसका वचन उसकी वाणी में इतना दम है, इसकी इतनी ताकत है। तो अक्सर लोगों को सुनाई नहीं देता है वाणी, लेकिन काम करता रहता है। और ये वाणी क्या क्या करता है हमने देखा है, यहाँ आपकी चिंता के लिए एक विषय में छोड़ना चाहता हूँ, यहाँ बताकर यहाँ 7 बार यहोवा की वाणी लिखा है, 7 बार। आइए प्रकाशित वाक्य में आइए, उसका 10वां अध्याय रेवलेशन बुक ऑफ रेवलेशन क्या चैप्टर 10 उसका 10वां अध्याय उसका 3रा वाक्य। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है, और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। गर्जन के 7 शब्द वहां पर भी सुनाई दिए। आखिर में ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है और अंत के दिनों के बारे में कहा गया है, और ये दाऊद अभी 7 बार लिखता है कि 7 बार परमेश्वर की वाणी लिख सकता है, 7 परमेश्वर का वाणी से क्या बोलता है आग को चीर देता है, कुछ कुछ मुझे याद अगर बता रहा हूँ। आइए उसका 9वां वाक्य जरा पढ़े, 9वां वाक्य हिंदी में। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरता है, यहोवा की वाणी वन को हिला देता है, यहोवा कादेश के वन को भी कांपता है, यहोवा की वाणी से हृदयों का गर्भपात हो जाता है।
कौन सा हॉस्पिटल है जंगल में? केवल परमेश्वर का वाणी काफी है। मतलब सब कुछ यहोवा की वाणी से होता है। और शुरुआत में देखा आपने एक और दूसरा वाक्य में, परमेश्वर के नाम के उचित। दोबारा पहला वाक्य पढ़ें, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का धन्यवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो। यहोवा के नाम की महिमा करो, लेकिन हिंदी अंग्रेजी में लिखा है कि अंग्रेजी में पढ़े Give unto the Lord the glory due to his name. Due to his name. मतलब उसके नाम के उचित रीति से, जो उसके नाम को जो शोभा देता है, इस प्रकार उसकी महिमा करो। हमने देखा है जैसा वाणी अलग अलग चीज करता है, उसका वचन अलग अलग चीज करता है, परमेश्वर को अलग अलग नाम भी है। यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा इलोहिम, यहोवा इलियो, यहोवा शामा, अनेक हमारी जरूरतें अनेक है, परमेश्वर का नाम भी तो अनेक है। अलग अलग बीमारियां हैं, परमेश्वर का अनेक नाम भी है। और उसके सामने हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं कि पर्वत भी कांप उठते हैं। तो इतना सामर्थ्यशाली परमेश्वर की इबादत करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। आगे हम चल के देखते हैं कि क्या है जो महिमा करना, क्या है, कैसे हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और कैसे हम नहीं कर सकते और कैसे हम नहीं कर रहे। तो एक चिंता है आपका। जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, मैं पिछले दो दिन सफर में था, तो बहुत से विचार आए। अभी ये कितने विचार परमेश्वर के, एक छोटा व्यक्ति क्या बता सकता है इस महान परमेश्वर के बारे में। लेकिन वचन से कुछ कुछ चीजों को मैंने ढूंढ के लाया हूँ, तो आपके सामने रखना चाहता हूँ। आइए उत्पत्ति की किताब उसका 20वां अध्याय 4 और 5 पढ़िए। एक्सोडस चैप्टर 24, निर्गमन की किताब एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 4 एंड 5। तू अपने लिए खोद कर कोई मूर्ति मत बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उसको दंडवत न करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला, और जो मुझसे बैर रखता है उसके बेटों पोतों और परपोतों को भी शादीशुदा लोग समझेंगे। अगर मेरा पत्नी किसी से बात करे मुझे जलन नहीं, लेकिन मेरा पत्नी दूसरे से प्यार करे तो मुझे जलन है, क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ। तो वो जलन परमेश्वर रखता है इज़राइल से। शुरुआत में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर इज़राइल को अपना पत्नी के स्वरूप मानता है, और यीशु मसीह कलीसिया का पति है और दुल्हा है, और कलीसिया उसकी दुल्हन है। और वो परमेश्वर जब इतना अधिक अपने लोगों से प्रेम रखता है तो जलन तो रखना ही है। क्यों जलन रखना है? क्योंकि वो इतना अधिक प्यार करता है, वो नहीं सहन कर सकता कि इजरायली लोग और किसी मूर्ति बनाए और किसी की प्रतिमा बनाए, उनके सामने दंडवत करें और उनकी इबादत करें, क्योंकि ये परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसकी वाणी जिसका नाम इतना शक्तिशाली है, वो कैसा बर्दाश्त करे कि उसकी पत्नी और किसी के साथ जाए। और बार बार ये बात इज़राइल को याद दिलाता रहा। और आइए रोमियो की पत्री उसकी पहले अध्याय में आए, रोमन्स चैप्टर 1 उसका 21 से लेकर पढ़े 21-22-23 अध्याय। पौलुस ने क्या विवरण किया है? इस कारण कि परमेश्वर को जो जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई। किसके बारे में लिखा है मैं आपको बता दूं, ये लोगों के बारे में लिखा है। आज
आज आप उसमें विश्वासी को भी ले लीजिए, अविश्वासी को भी ले लीजिए, उन लोगों के इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई नहीं धन्यवाद नहीं किया और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे यहाँ तक कि उनका निर्मुक्त मन अंधेरा हो गया। एक सेकंड बताओ, यहाँ पर व्यर्थ विचार, जब हम इस परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर को हम महिमा देना उचित है, वहां क्या कर रहे हैं? व्यर्थ विचार, यूजलेस। जरा सोचिए, हम कितने बार बिना जरूरत के फिजूल के बातें सोचते हैं, जबकि हमें परमेश्वर के ध्यान करना है, फिजूल बात ऐसे। और आगे और अविनाशी सनातन परमेश्वर की महिमा ग्लोरी को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और छुपायों और रहने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। देखो, मनुष्यों की मूर्ति, पक्षियों की मूर्ति, चौपाय मतलब चार पैर पे चलने वाले जानवरों की मूर्ति, रेंगने वालों की मूर्ति, ऐसे जंतुओं की मूर्ति क्या कर दिया? सनातन परमेश्वर की महिमा बदले में बदल डाला, मूर्तियों को बनाकर, बुद्धिमान व्यक्ति बनाकर निर्बुद्धि हो गए और ये परमेश्वर को महिमा नहीं दिया। इस कारण परमेश्वर ने क्या किया? देखो 24 पढ़ो। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। बस परमेश्वर भी देखिए हमेशा अपने पीछे चलता नहीं, आज के भाषा में बोलते हैं परमेश्वर पीछे चल के पकाता नहीं, राइट? परमेश्वर छोड़ दिया गंदगी करने के लिए, जाओ बनाओ कितना बनाना है, कुछ भी करो, लेकिन परमेश्वर मतलब बदलता नहीं। इसराइली लोग ऐसे ही करते थे, बनाते थे, दंडवत करते थे और उनको नहीं बोलने पर भी वो मूर्तियां बनाते थे, उसकी इबादत करते थे, परमेश्वर उनको छोड़ दिया, वो गुलामी में फंसते थे, अनेक गुलामी में बहुत तकलीफ में जब आ जाते थे, गिड़गिड़ा कर वापस आते थे, परमेश्वर ले लिया। बार बार इसराइल के साथ हुआ और आज आपने देखा इसराइल के जगह में हम खड़े हो, परमेश्वर ने हमें खड़ा किया, हम इसराइल से बेहतर नहीं है, उसके अनुग्रह है, उसकी कृपा है, हम अच्छे लोग है नहीं है, हमारी बुद्धि बहुत अच्छा नहीं है, हम भी ऐसे काम करते थे फोटो से लेके मूर्ति तक। अगर ये एक और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ अगर आप कोई किसी भी धर्म का सही रूप से अध्ययन करें, स्टडी करें, किसी भी धर्म में मूर्तियां का कोई मान नहीं दिया है, कोई महत्व नहीं दिया है। क्या आप अपना पर्सनल स्टडी में कर दीजिए और बाद में क्या हो रहा है, तो मनुष्य को छोड़ दिया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए रोमियो की किताब उसके 9वां अध्याय में है, रोमियो 9 उसका 23। और दया के बंधनों पर जिन्होंने से महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। देखिए दया के बर्तन के ऊपर उन्होंने अनुग्रह किया और उसके द्वारा परमेश्वर महिमा देना चाहते हैं। ये दया का बर्तन क्या है? स्टील, एल्यूमिनियम, क्या है? प्लास्टिक। कौन है दया के बर्तन? हम दया के बर्तन है, उसके द्वारा पौलुस कहता है कि उसकी महिमा होनी चाहिए। हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिला है, उसकी दया मिला है, बार बार हम गलत काम करते रहे पर भी उसने दया दिखाया, हम उससे भागते रहे, अलग अलग बहाना बोलकर हम भागते रहे, फिजूल की बातें सोचते रहे, मूर्तियां बनाते रहे। और आज भी देखिए अधिक से अधिक मैं जब पढ़ाई किया, मुझे अंदर से ऐसा बात आया कि अधिक से अधिक मूर्तियां परमेश्वर के लोग बनाते हैं। आएंगे इसमें, ये जो रोमियो का पत्र उसका पहला अध्याय उसका 21वां वाक्य पहला पढ़ना नहीं, पढ़ा हमने कि
लोग परमेश्वर की महिमा उन्हें जानकर भी उन्होंने परमेश्वर को उचित महिमा ले दी और रेंगने वाले मनुष्य पक्षी जो पाए ये सारे चीजों का मूर्ति बनाकर ये मैंने एक अपने एक गुजराती फ्रेंड को मैं पढ़कर सुनाया हिंदी में। उसने तुरंत मेरे से गुजराती बाइबल मांगा, ये बात तो बहुत सही है, वो विश्वास ही नहीं है लेकिन परमेश्वर का वचन का जो महत्व वो समझ पाया कि कितना निर्बुद्धि के काम हम करते हैं। उस जीवते परमेश्वर जिसकी वाणी जिसकी जो कलाकृति हम चारों ओर देख सकते हैं और उसको हम धन्यवाद दे सकते हैं छोड़कर सारे निर्बुद्धि के काम करके हम अपने आप को बुद्धिमान इस लोग अपने आप को बुद्धिमान कहला रहे हैं और कहना चाहते हैं। तो आपने देखा कि इसके पहले 9:23 रोमियो का पत्र में हमने पढ़ा कि कैसा कि ये जो बर्तन है जो दया के बर्तन मिट्टी के भी नहीं दया से बना है, देखो कितना नाजुक है ये बर्तन परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है उसकी महिमा के लिए उसके नाम की उचित महिमा के लिए। जो दाऊद जो पहला दूसरा वाक्य में वो कैसा हम कैसा उसकी महिमा नहीं करते हुए विश्वासी लोगों का कुछ बनाया हुआ मूर्ति बनाए। कितने लोग विश्वास करते हैं कि विश्वासी लोग मूर्ति बनाते हैं। बहुत तरीके का मूर्ति हम बनाते हैं पर दूसरों को देखते हो ये मूर्ति बनाते हैं। कुछ विश्वासी खुद मूर्ति बन जाते हैं मतलब हिलते भी नहीं यहाँ आते हैं वो एकदम प्रतिमा जैसा खड़ा होता है ना उसका हाथ हिलता है ना उसकी ओट हिलता है। खुद अपने आप को भी मूर्ति बनाने वाले बहुत विश्वासी है। हम देखेंगे दूसरा तिमोथी उसका तीसरा अध्याय 1-5 तक जरा धीरे 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 पढ़े। उसमें पहला 3 मूर्तियों का नाम लिखा है अनेक मूर्तियां हैं पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। अंतिम दिनों में बहुत अच्छा समय आएगा नहीं कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी लोभी दीनमत अभिमानी स्वार्थी पहला मूर्ति स्वार्थी खुद को प्रेम करने वाला आगे लोभी अभिमानी मेरा नाम को खराब किया मेरा बच्चे के लिए ऐसा मेरा पत्नी का नाम खराब किया मेरा नाम परमेश्वर से नाम का नाम से बड़ा है क्या। ऐसे लोग अभिमानी तूने मुझे समझ क्या रखा है। विश्वासियों का मूर्ति के बारे में बात कर रहा हूँ विश्वासियों का जो मूर्ति बना के रखा है मन के अंदर और मन के अंदर कौन रहना चाहता है परमेश्वर मैं आपकी कटकटाऊंगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा अगर दरवाजा खोल के देगा अगर अपने हाथ में उसका हमारे दिल का चाबी परमेश्वर के भी हाथ में नहीं है हमारे हाथ में हमें खोलना है। हम बिठा के परमेश्वर को बिठा के वहां दूसरा एक मूर्ति रखा तो क्या करेगा परमेश्वर कितना जेंटलमैन है सीधा निकल जाएगा रहने दे मूर्ति तो अपना नाम का पढ़ाई करता है अपने घर का नाम का महिमा करता है तो मैं कहां से महिमा लूं। आगे पढ़िए माता पिता की आज्ञा टालने वाले मूर्ति बनाते हैं विश्वासी के बच्चे मूर्ति बनाते हैं छोटे छोटे मूर्ति माँ बाप बड़े बड़े मूर्ति बनाते हैं बच्चे छोटे छोटे आगे अपवित्र दयाहीन अरे भाई इसने गलती किया माफ नहीं क्यों मूर्ति दयाहीन उस मूर्ति का नाम क्या है दयाहीन बिना दया क्षमा रहित क्षमा भी नहीं कर दोष लगाने वाले वो भाई ठीक नहीं है भाई ठीक नहीं है पास्टर बिल्कुल ठीक नहीं है दोष लगाने वाले मूर्तियां ये मूर्ति बाहर के लोग नहीं बनाते ये मूर्ति हम बनाते जब हम दोष देते हैं दूसरों पर एक मूर्ति अंदर आ गया परमेश्वर बाहर पवित्र आत्मा चला जाता है आगे का मूर्ति असहमी मेरे को तो सहन नहीं होता है कठोर की मूर्ति भी कठोर मूर्ति मतलब स्टील मिल का बनाया होगा नहीं टूटता आसानी से आगे भले के दुश्मन कुछ भी भला होता रहेगा अच्छा भाई कुछ भला कर रहा है उसको
उसको सपोर्ट नहीं करे, अरे मत करो, वो लोग ठीक नहीं है। हाँ आदमी ठीक, मैं जानता हूँ, अरे तू भी काम बराबर था, लेकिन परमेश्वर ने दया का बनाया ना बर्तन, हम पर भी दया हुई और हम दया नहीं दिखाते हैं। विश्वासघाती, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले, सुख विलास के, सुख विलास के चाहने वाले, प्लेजर, मुझे तो आराम, मैं आराम से शांति से रहना चाहता, शांति उसको कभी नहीं, सोचते कि नया कौन है शांति। बहुत से मूर्तियां, मतलब हम देखते जाए थोड़ा थोड़ा मूर्ति, मैं आपके लिए भी छोड़ता हूँ, घर पे जाके देखना, मैं भी दो दिन से इतना तलाश कर रहा हूँ कि मेरे अंदर कितनी मूर्ति मैं बना रखा हूँ। हर एक को सोचना है, हम दूसरों की ओर देखते हैं, तो बड़ा बना के रखा है, छोटा है, यहाँ है, वहाँ है, कुछ कुछ लोग मूर्ति बना के लाइटिंग करते हैं, उनको छुपा के रखते हैं, किसी किसी का मूर्ति दिखता नहीं, किसी किसी का लाइटिंग एकदम कड़ाके के साथ शोर जोर से ढोल बजा के मूर्ति घर पे लगता रखता है। ये मैं विश्वासियों का मूर्ति है, हमारा ध्यान मान नहीं जाता, हमारे पड़ोसी का मूर्ति पे मैं देखता है, इसके बहुत मूर्तियां है, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप में जाके और मूर्तियों को विसर्जन करना बाहर निकल। परमेश्वर जब हम इस मूर्तियों को बाहर फेंकता है, लौटता है, परमेश्वर इतना दयालु है कि वापस नहीं, इसलिए हम वापस आ सकते। इज़राइल को भी मौका दिया, अभी भी मौका दिया है, अभी भी वक्त दिया है उनको, हमें भी वक्त। लेकिन पौलुस फिर भी कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप मूर्तियां बनाते जाए, रोमियों की किताब में लिखा है कि पाप करते जाओ क्योंकि उसका अनुग्रह आते जाए। तो हम मूर्ति बनाते जाएंगे हर साल या हर महीना और परमेश्वर का अनुग्रह नहीं प्रिय हो। अगर हमें परमेश्वर सूझबूझ दिया है, आज ये मूर्ति को निकालो। निकालने के पहले क्या करना है, निकालने के पहले क्या करना है, नहीं मूर्ति है, अरे मूर्ति को ढूंढना है। आप जब तक मूर्ति को ढूंढेंगे नहीं, किसको आप लेके जाओगे बाहर सर पे रख के? देख दो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे अंदर परमेश्वर के सिवाय और कोई महिमा नहीं, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, और कोई मूर्ति परमेश्वर के लोगों के अंदर ना रहे, परमेश्वर को महिमा परिमा परमेश्वर को महिमा रहित ना करे। अन्य जाति के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते उनसे परमेश्वर बर्दाश्त करेगा, जो परमेश्वर को जाना है उससे परमेश्वर ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसको महिमा नहीं दे रहा है, स्थान नहीं दे रहा है। परमेश्वर हमारे हृदय में स्थान। अगला मत्ती का सुसमाचार उसका छठवां अध्याय में अगला मूर्ति। सावधान रहे, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते रहते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरे बाएं हाथ ना जाने पाए। ये मूर्ति का नाम है दिखावे की मूर्ति। हम जो भी करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें, अगर दिखावे की है तो मूर्ति बन जाती है। अगर आप लोगों से वाह वाह चाहते हैं तो वो दिखावे का मूर्ति बन जाता है। हमने परमेश्वर को जो पहचाना, उसकी वाणी को जो सुना, उसके सामर्थ को जो पहचाना, ऐसे मूर्ति से दूर रहे। अगला है पहला कुरिन्थी, पहला यूहन्ना का किताब उसका दूसरा अध्याय, बड़ी मूर्ति है, हम सब उसमें अलग अलग समय में फंसते रहते हैं। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 15 से लेके जाओ। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उनमें उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ये मूर्ति का नाम है संसार के प्रेम। जब हम संसार से प्रेम करते हैं तो किससे हम प्रेम करते हैं? अगर हम संसार में से प्रेम करते हैं तो किससे प्रेम करते हैं?
संसार की चीजों से। जब हम संसार की चीजों से प्रेम करते हैं, एक मूर्ति बना देते हैं। पिता का प्रेम हमने नहीं, हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। संसार की चीज इस्तेमाल करने के लिए है, प्रेम करने के लिए नहीं। वो हमारी जरूरतों के लिए है, वो तात्कालिक है, क्योंकि हम तात्कालिक है। परमेश्वर का प्रेम से वंचित न रहे। अगर हम जगत से और जगत के सामान से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का प्रेम हमें नहीं। अगला मूर्ति है पहला कुरिन्थी का पत्र, उसका तीसरा अध्याय तीसरा भाग, इसमें भी हम फंसते हैं। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसीलिए कि जब तुम में दाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? अभी देखिए, जब तुम में मतभेद है, झगड़ा है, और अंग्रेजी में एक है स्ट्राइफ, मतलब झगड़े की भावना, मतलब ऐसा झगड़ा आ जाता है, बड़ा एक मूर्ति है संसार के जैसे। हम सोचते हैं कि यार संसार के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो इससे शांत है, आसानी से झगड़ा आ जाता है, आसानी से लड़ बैठते हैं और झगड़े की मूड में वो रहते हैं। ये ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को कुछ भी बोला तो ये झगड़ने आ जाएगा। ये बड़ी मूर्ति है झगड़ा और सांसारिक तरीके से सोचना। हम आत्मिक लोग हैं, भले हम शरीर में चलते फिरते हैं, लेकिन केवल लड़ते नहीं, हम सोचते भी नहीं, सोचना भी नहीं है शरीर के अनुसार। जो शारीरिक है फिर हमारे में और उनमें, जो परमेश्वर की महिमा को नहीं पहचानते, उनको महिमा नहीं मिलती, वो कैसे परमेश्वर को महिमा दे? तो ये मूर्ति है संसारी। अगला मूर्ति है लूका का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 18 पद। क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता है? देखो, 10 कुष्ठ रोगियों को यीशु मसीह ने चंगा किया, सामरी, उसमें से एक जो बाहर के देश के व्यक्ति आता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता है। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के नाते धन्यवाद के लोभी नहीं है, लेकिन एक सवाल आता है कि केवल ये बाहर के व्यक्ति जो बाहर देश के है, फॉरेनर है, अंग्रेजी में फॉरेनर लिखा है, कि केवल वो आया और धन्यवाद दिया। तो अभी ये है धन्यवाद नहीं देने की मूर्ति। ये लोग परमेश्वर को तो धन्यवाद देते नहीं, लोगों को भी धन्यवाद दिया। थैंक यू बोलना इतना कठिन होता है लोगों के लिए। तो ये अनथैंकफुलनेस, ये जो मूर्ति है धन्यवाद न देने वाली मूर्ति। तो हमने कितना मूर्ति देखा, किसी ने गिना है? आप घर पर जाके गिनिए, क्योंकि अपने अंदर सब मूर्तियां हैं। मैं भी कबूल करता हूँ, मेरे अंदर भी बहुत मूर्तियां हैं, जिसे मैं ये सीजन में ढूंढना अच्छा है, ये सीजन में फेंकना अच्छा है। जोर बजा के फेंको, लाइट लगा के फेंको, लेकिन फेंको, मूर्तियां मत रखना घर, मतलब अपने मन में, क्योंकि वो स्थान केवल ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर लेना चाहता है। और यीशु मसीह का कहना है कि हम दो नाव में पैर नहीं रख सकते, परमेश्वर और मूर्ति साथ साथ नहीं जाते। परमेश्वर अपनी महिमा और किसी को नहीं देता, जलन रखने वाला परमेश्वर है। और क्या करना है, आइए हम देखिए, ये बंद करते हैं हम जल्दी। पहला कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय है और उसका 20वां वाक्य, पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय 20वां वाक्य। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्योंकि हम दाम देके हमने परमेश्वर ने मोल लिया। क्या दाम था, क्या कीमत क्या थी? लहू, आखिरी बूंद लहू तक बहाया, अपने आप को कंप्लीटली तुड़वा दिया, शरीर को तोड़ दिया, लोग उनके मुंह पे थूका, कांटों का ताज सर पे रखे मारा, आम से एक कांटा बाहर आया, हल जैसा चला था वैसे उसकी पीठ मारकर बांधा गया। कीमत, परमेश्वर ने उस कीमत, भारी कीमत को देकर, निर्दोष परमेश्वर का निर्दोष मेमना को देकर खरीदा है। तो अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमने शुरुआत में कहा कि दाऊद कहता है कि तुम
इस परमेश्वर के नाम के उचित उसकी महिमा करो। कैसे हम करें? शरीर से और आत्मा से। मूर्तियों को बाहर निकाल कर आइए अगला वाक्य पढ़े, पहला पत्रस उसका 14 अध्याय इसका 16 वाक्य। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। देखिए ये मसीह दोनों का एक बड़ा मेडल है, जैसा सेना को ऐसा बोलते हैं परम विशिष्ट अति विशिष्ट मेडल्स देते हैं, तो एक मसीह का मेडल क्या है? यीशु मसीह के लिए दुख सहन करो, चोरी करके तो झापड़ गाना नहीं, बिना चोरी किए झापड़ गाना वो हम सहन नहीं कर पाए। पर मैंने क्या किया? तूने कुछ नहीं किया तभी सहन करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया उसने सहन किया। तो ये सहन करना, ये जब हम सहन करते हैं परमेश्वर को महिमा मिलती है। हम अगर शांत बैठते हैं, शांत रहते हैं, हम पेशेंस दिखाते हैं, संयम दिखाते हैं, परमेश्वर को महिमा मिलती है। अगर नहीं दिखाते हैं तो महिमा किसको मिलता है? नहीं, मैं दिखाऊंगा मैं कौन हूं, और मेरा असलियत में दिखा देता है मेरे अंदर कितना मूर्ति है, एक एक करके बाहर तो मुझे महिमा मिलती है। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, और वो करने के लिए सहन करने की जरूरत। मैं दर्द नहीं सहन करूंगा, अपमान तो बिल्कुल नहीं, भूख सहन नहीं करूंगा, प्यास सहन नहीं करूंगा, मुझे सुख और शांति चाहिए। मसीह का जिंदगी सुख और शांति का नहीं है, जल्दी ही सदा आ रहा है। ऐसे ही झापड़ मार के कोई जाएगा, अरे कारण क्या है? मेरा नाम थोड़ा मसीह रखता है, कोई गाली देगा। कल ट्रेन में जब सफर कर रहा था, कुछ बाइबल के बातों को बता रहा था एक व्यक्ति को, तो उनको इतना शायद उनको अच्छा नहीं लगा होगा, बाद में उनसे सहन नहीं किया गया, बोला कि आपका नाम क्या है, नाम के जरिए समझ जाता है कि एक व्यक्ति है कौन। वो सहमत है लेकिन मूर्ति फेंकने के लिए सहमत। हम परमेश्वर के विश्वासी है, बोलते कि मूर्ति मैं कहां बना रहा हूं, नया मूर्ति मत बनाना, पुराना तो फेंको, मैं क्यों रखे कहते हो। अभी ये सहन करना, दुख उठाना, अपमान सहन करना, जब ये हमारे अंदर से गुजरता है तो बहुत कठिन है, बहुत आसान है प्रचार करना, लेकिन जब कोई आपके हमें मारता है, गाली देता है, फिजूल की बातें कहता है, हमारे नाम को खराब करता है, तब सचमुच हमारे सामने एक चुनौती आता है। अगर तभी हमें ये वचन याद नहीं आया कुछ फायदा है? अगर तभी हम यीशु मसीह को याद नहीं करते जो शरीर पर लटका हुआ है, जो सहन किया, एक भेड़ के समान वो चुपचाप रहा, कुछ फायदा नहीं। हम घर के दो बात सुना के घर के अंदर जाके पश्चाताप करके फायदा नहीं, उल्टा मैं कहता हूं कि बाहर सहन करो, टॉयलेट के अंदर जाके गुस्सा करके फ्लश कर दो, वो चलेगा, लेकिन यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए सहन करना हमें सीखने की जरूरत है, और ज्यादा ताकत, क्योंकि जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, ये सामर्थ्य कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा कैसा देता है? हमें परमेश्वर की वाणी देता है, क्योंकि परमेश्वर का वाणी आपको भी चीर देती है। और हिरण की गर्भपात कर, मुझे अभी तक लगा गर्भपात बोले तो एबॉर्शन, मैं डर गया, नहीं, अंग्रेजी अनुवाद में डिलीवरी के लिए मदद करता है, वहां पर कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, लेकिन केवल वाणी काफी है। तो हिरण का एक उदाहरण दिया, सारे पशु पक्षियों का मेंटेलिटी हॉस्पिटल है अभी, बहुत लोग लेके जाते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, यहोवा परमेश्वर ने नहीं बनाया, उसकी वाणी काफी है। तो वाणी काफी है गरजना, उसका वाणी काफी है बारिश आना, उसका वाणी काफी है सूख जाना, वाणी काफी है पर्वत को भी उखाड़ के फेंकना। हमारे सामने शायद चाहे लाल समुद्र आए या पहाड़ आए, यहोवा की जरूरत नहीं है, वो की वाणी काफी है, वाणी की भी जरूरत है। सोचो परमेश्वर उतर कर आने की जरूरत नहीं, केवल उसकी वाणी काफी है, कितना सामर्थ्यशाली है। आइए उसका 10वां वाक्य पढ़े, 29वां भजन का डॉट आए हमारे भजन
जड़ पहले के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। नूह के समय भी यहोवा विराजमान था पानी के ऊपर। देखो यहोवा सर्वदा राजा होकर विराजमान रहेगा, हम चाहे ना चाहे, हम जगह दे ना दे, लेकिन उसे राजा बनाकर हमारे जिंदगी में रखने का जिम्मेदारी हमारी है। हमें जगह खाली करना है, मूर्तियों को बाहर निकाल कर फेंकना है। जब हम वो करते हैं, आप ही वचन पढ़े उसी वचन का, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, सामर्थ देगा ये सारे मूर्तियों को पहचानने, उखाड़ने में और सहन करने में, और यहोवा अपनी प्रजा को शांति और आशीष देगा। शांति और आशीष देगा, जो हम चाहते हैं। लोगों में अशांति क्यों है? अंदर मूर्ति है। लोगों में बेचैनी क्यों है? अंदर मूर्ति बना के रखा है, उसको जरा हमें पहचानना है। पहला जब हम पहचानते हैं ना, आपको समझ में आएगा कि हम उन लोगों से भी बदतर है जो वास्तविक रूप से मूर्ति बनाते हैं। ये मूर्तियां अधिक हमें नुकसान पहुंचाती हैं, हमारे आत्मा और शरीर को खोखला बना देती है, परमेश्वर को दूर करता है, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर आने नहीं देती। इसलिए अगर ये हम करते हैं, परमेश्वर को हमारे जिंदगी में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में, हमारे घर में जब जगह देती है, तब परमेश्वर हमें आशीष देगा, आशीष के साथ शांति देगा, बल भी देगा। परमेश्वर हम सबको आशीष देगा। आपके वचन से हमने सुना परमेश्वर, हमारे अंदर जो भी मूर्तियां हैं, जो भी जगह जो हमने कैद करके रखा, कब्जा करके रखा है, परमेश्वर हमें समझ दे कि हम उसे खाली करें और आपको स्थान दे, क्योंकि आप जीवते और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपकी वामक वाणी सामर्थ्यशाली है, सर्वशक्तिमान जीवते परमेश्वर, हम आपको स्तुति और धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र लोग से एक और बार हमें धोकर शुद्ध करें, हमें पहचानने की शक्ति दे कि हमारे में ऐसी कोई बात है जो आपकी आपकी महिमा के खिलाफ है। परमेश्वर वो सब चीजें बाहर करने के लिए हमें सहायता कर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यहाँ पर सर झुकाए हुए हर एक व्यक्ति को, उनके परिवार को, हमारे देश को भी खास करके याद करते हैं। परमेश्वर आपके अनुग्रह आपने उन्धेरा है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा केवल आप ही को देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करते हैं, सुन और ग्रहण कर करें पिता।